इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मैहर जिले में। देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस हाईवे से टकरा गई। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को इलाज के लिए मैहर के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसलिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैहर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार बस एक हाईवे से टकरा गई। घटना में मौके पर करीब 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। बस के अंदर फंसे मृतकों का शव रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। हालांकि अधिकारी के तौर पर अभी तक 6 लोगों का शव बस से बाहर निकाला जा चुका है। इस एक्सीडेंट में अभी तक जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए हैं तो लगभग 17 से 20 घायल हैं, जो मैहर, अमरपाटन और सतना में भी कुछ रेफर होके पहुंचे हैं और बाकी 6 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु होने की है। सर, बस कहां से कहां जा रही थी? ये बस प्रयागराज से नागपुर जा रही थी। किससे घटना हुई और क्या कुछ? ये जब तेजी से बस जा रही थी तो देहा थाने क्षेत्र के पास में एक साइड में एक डंपर खड़ा हुआ था जिसमें पत्थर भरा हुआ है, उससे जाकर ये टकरा गई है। इसके कारण बस डैमेज हो गई अगला पार्ट और उसमें जो यात्री थे उनको उसमें नुकसान पहुंचा। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में रफ्तार का कहर बरपा। सड़क किनारे खड़े हाईवे से तेज रफ्तार बस टकरा गई। इस घटना में बस में सवार करीब 6 यात्रियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक मैहर जिले के नादान देहात थाना क्षेत्र के पास सड़क किनारे खड़े हाईवे में बस जा घुसी। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार ज्यादा थी। घटना की जानकारी मिलते ही मैहर जिले के पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत घायल यात्रियों को मैहर के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। जबकि बस के अंदर फंसे मृतकों के शव को जेसीबी कटर के जरिए बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि एक बस हाईवे से टकराई है। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं। बस प्रयागराज से नागपुर जा रही थी। पत्थर लोड सड़क किनारे खड़े हाईवे से बस टकराई है। यह पूरी तस्वीरें मैहर से आपको सामने देखने को मिल रही है। पूरी तरह से दर्दनाक सड़क हादसा पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि आभा ट्रेवल्स की बस जिसमें 6 लोग की मौत, 20 से ज्यादा यात्री घायल बताने की खबर सामने आ रही है।